अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें जामनी कलर बना रहे हैं। इन्होंने ये वॉलेट कलर ले लिया है। वॉलेट कलर में बिलो का टांगा दे दिया हल्का सा। सही है, कला हल्का रस वही हमारा पानी है। ये हमारा मजिंडा का पानी है। मजिंडा हमने ये निकाला था इससे पहले। अभी जय दिखाते हैं हम आपको। ये मजिंडा का पानी था हमारा, जो कलर हमने लिया था इसमें इन्होंने बाल्टी में डाल लिया। बाल्टी में डालने के बाद छानेंगे। इसको कपड़े से इसलिए छाना जाता है ताकि कोई दाना निकले। और किसी ने कमेंट्स करा था ये छन्नी ले लो, छन्नी में दाना जाता है, पार्सल होता है नीचे, पैकिंग आती है। ये छन्नी के ऊपर कपड़ा रख के फिर जाके छान के डालो। ये देखें कपड़े के अंदर कितना बारीक दाना बच गया है, कलर बच रहा है। ये छन्नी से पार्सल हो जाता है, नीचे आ जाता है। ये देखें ये कपड़े में छन भी नहीं रहा और ये छन्नी से नीचे उतर जाता है। बाकी जो बच गया रहने तो अभी ये फैब्रिक लेकर आएंगे हम, आपको टोन चेक करवाते हैं जामने की। लेकर आइए, अच्छी तरीके से हिला लिए। हमारा हेड्रो है वह मजिंडा कलर। इसमें गुलाबी और जामनी से बना है हमारा मजिंडा कलर। गुलाबी का टचिंग करिए, बाकी जामनी डाला। उसमें हमने जामनी लिया और ब्लू दिया। ब्लू इसलिए दिया हमने जो उसमें गुलाबी वो दब जाए। शेड दिखा, अब एक चादर पे हम आपको शेड दिखाते हैं। चेक करवाइए शेड, बस 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 दिखा क्या टोन दे रहा। शेड सही है, सही है शेड। अब शेड सही आ रही है जामनी का, भी हम फैब्रिक डालेंगे। ये हमारी सो चादर है। एक चादर हमारी 120 ग्राम की है। सो चादर है हमारा, 10 किलो फैब्रिक है ये। ये हमारा वॉलेट कलर है।
इसलिए आहिस्ता आहिस्ता हमारा कलर तेज़ होता रहेगा। इसकी इसको तकरीबन 85-90 डिग्री टेम्परेचर दिया जाएगा और इसको तकरीबन 6-7 मिनट में निकाल लिया जाएगा। जिस तरीके से पुराने वीडियो में मेरे टेम्परेचर देकर उसको निकाल लिया जाता है, एड्रो होता है, एड्रो के बाद फिर जो भी प्रोसेस होता है आपको बता चुका हूँ, मेरी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से एड्रो होता है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो आप देख सकते हैं। बाकी फिनिशिंग होती है, कैलेंडर होता है, कैलेंडर की भी वीडियो मैंने अपनी वीडियो में छोड़ चुका है। भाई किसी तरीके की हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके।